भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस चुनाव को बहुत महत्व प्रायोरिटी में देख रही थी और वो अब शुरुआत से ही जीत की बात कह रहे थे, लेकिन अभी जो मतगणना में जो परिणाम आ रहे हैं वो उनके अनुसार नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी घोसी विधानसभा में जीती थी, इस बार भी जीतेगी, ये बहुत पहले से कह रहा था। विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी थे उन्होंने दल बदलकर घोसी की जनता का अपमान किया है। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है और उसी का परिणाम है कि अब तक जो 11 राउंड के मतदान प्रमाण आए हैं उसमें लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है और हमें लगता है जो जीतने का अंतर अभी तक देखने को मिला है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी प्रत्याशी लगभग 40,000 वोटों के अंतराल से जीतेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और घोसी की जनता के उत्साह को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी घोसी की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।